वेस्टइंडीज के खिलाफ रोहित और विराट को रेस्ट देने पर बोले राहुल द्रविड़, हमारी नजर वर्ल्ड कप से पहले बड़े मैचों पर है। भारत की शर्मनाक हार पर भड़के कपिल देव, कहा खिलाड़ियों को पैसों का है गर्व। एशियाई खेलों के लिए सिलेक्शन होने पर रिंकू सिंह हुए भावुक, आईपीएल में परफॉर्मेंस को दिया क्रेडिट। बीसीसीआई समय से पहले या भारत के बाहर करा सकता है आईपीएल, लोकसभा चुनाव और टी20 विश्व कप बड़ी वजह। एशिया सीरीज का चौथा दिन का खेल बारिश से धुला, दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट गंवाए 135 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 395 रन पर ऑल आउट हो गई, ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 384 रन का टारगेट मिला। स्टुअर्ट ब्रॉड ने एशिया सीरीज के आखिरी मुकाबले में खेली 8 रन की नाबाद पारी, लगाया शानदार सिक्स। स्टुअर्ट ब्रॉड की ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, फैंस ने तालियों के साथ किया स्वागत। युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को बधाई दी, टेस्ट मैच के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक करार दिया। स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में बात करते हुए बेहद भावुक हुए जेम्स एंडरसन, आंखों से छलके आंसू। ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा ने टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन पूरे किए, ओवल टेस्ट में हासिल की उपलब्धि। नामीबिया ने अंडर 19 मेंस क्रिकेट विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई किया, आईसीसी ने ट्वीट करके दी जानकारी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन को हराया 3-0 से दर्ज की जीत। भारतीय मेंस हॉकी टीम ने नीदरलैंड को हराया 2-1 से दी शिकस्त। ब्रजभूषण सिंह ने दिल्ली में बुलाई अपने पैनल की मीटिंग, आगामी WFI चुनावों में भूमिका पर चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बड़ा फैसला, एशिया ओलंपिक कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे रणधीर सिंह। भारतीय शूटर शरद तोमर ने चीन में हो रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, 50 मीटर राइफल में 461.6 का स्कोर किया। भारत की ज्ञानेश्वरी और कोयल ने एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन, श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में 14 मेडल जीते। मोरक्को ने फीफा महिला विश्व कप में पहली जीत हासिल की, दक्षिण कोरिया को 1-0 से जीता।